हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि ड्यू एलएलबी का जो है आंसर की वो रिलीज हो चुका है, और आंसर के रिलीज होने के बाद आप लोगों ने सभी लोगों ने अपना आंसर को मैच कर लिया होगा और आपको अप्रॉक्स आइडिया लग गया हो कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग लगभग 99% के आसपास आपको आइडिया लग गया हो कि हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं। और मुझे याद आता वो दिन का जिस दिन आप लोगों ने ड्यू एलएलबी का एग्जाम देकर आया था, और उस दिन जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात किया था सभी के फेस डाउन थे, और मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपने मेहनत किया है तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे, आपको वेट करने की जरूरत है। और बहुत बच्चे से बात हुआ, अभी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, कुछ बच्चे 300 के आसपास भी मार्क्स आए हैं, कुछ 300+ भी मार्क्स लेकर आए हैं। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। दूसरी बात यह रही कि अगर आप बाई चांस उतना मार्क्स लेकर नहीं आए हैं जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूं, तो आपको इस असफलता को स्वीकार करना है। अगर अदर स्टूडेंट्स उतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं तो आप भी स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आपके जैसा उन लोगों ने भी पढ़ाई किया था और आपने भी उसी तरीके से पढ़ाई किया था, तो सेम प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स, ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स कोई ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, कोई कम नंबर लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में थोड़ी बहुत थी कि आपने किस तरीके से पढ़ा, आपने ओवरऑल किस टॉपिक पर कितना ध्यान दिया, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुआ होगा जिस कारण से आपके मार्क्स नहीं आए हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इस असफलता को स्वीकार करना है और फिर से लग जाना है कि अगले सेशन में हम लोग टॉप करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और ड्यू एलएलबी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो असफलता को स्वीकार करिए और लग जाइए आज ही से कि अगले साल फिर से हम लगेंगे, अगले साल एग्जाम में फिर से बैठेंगे और हमारे रिजल्ट क्लियर होगा। लेकिन इस साल का जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनके मार्क्स आ रहे हैं, उनकी एक क्वेरी है कि सर कट ऑफ क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने का खुद मैसेज आया मेरे पास, मैंने ग्रुप को भी चेक किया, साथ ही साथ मैंने सर्वे भी कराया और अदर यूट्यूब वगैरह से जो भी स्टूडेंट्स का जो मार्क्स मैं कलेक्ट किया हूं, तो ओवरऑल मैंने एक अच्छा डेटा लिया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं सर्वे किया तो उसके बाद मुझे एक एस्टिमेटेड स्कोर जो मुझे लग रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग ये घूमने वाला है, तो मैं आपको एस्टिमेटेड स्कोर बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा, आप इसको सेफ जोन मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां सेफ जोन मान लेना तो समझ लेना कि आपका डॉक्यूमेंट तैयार करने का टाइम हो गया और डॉक्यूमेंट तैयार करना आप शुरू कर देना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सेफ स्कोर के बारे में कि क्या इस बार कटअप हो सकती है। मैं कटअप बात करने वाला हूं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, इसी के मैं कटअप की बात करने वाला हूं। देखो जनरल्स की बात करें, ठीक है, जनरल की बात करें तो जनरल का पिछले साल का अगर बात करें तो पिछले साल का आई थिंक 232 के आसपास कटअप गया था, ठीक है, 2021 में जनरल का। लेकिन इस साल का जो कट ऑफ होने वाला है जनरल का, वो आपका होगा अप्रोक्स 240 to 245। ठीक है, 240 to 245, इनके बीच में जो भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने सेफ, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, 240 से 245 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अपने आपको सेफ मान सकते हैं, 99% आपका मार्क्स एडमिशन हो जाएगा अगर आप 240 से 245 के बीच में आते हैं तो। लेकिन अब बात रही कि सर एक बच्चा 239 पे था, तो 240 के -2 पर अगर चला जाए, ठीक है, 240 से -2 को अगर आप लेके चला जाए यानी कि 238 के आसपास, तो वैसे बच्चे अपने आपको बाउंड्री लाइन पर ले सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन पे, तो बाउंड्री लाइन पे वो कौन बच्चे रहेंगे जो 240 से -2 रहेंगे, यानी दो नंबर कम, यानी 238 से 240 के बीच वाले बाउंड्री लाइन पे हैं, लेकिन 240 से 245 के बीच में अपने आपको सेफ मान सकते हैं। मतलब ये कट ऑफ जाने वाली 240 से 245 और 240 से अगर 245 आपका आ रहा है या 245 प्लस है तो 100% अपने आप को सेफ मान के चलो, 100% सेफ है। लेकिन बेसिकली जो जनरल का जो कटअप जाने वाला है वो 240 से 245 के बीच में रहेगा। चलो इसके बाद बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का जो पिछले साल का जो कटअप गया था वो 185 गया था, ठीक है, आपको याद होगा 185 कटअप गया था। और इस साल भी ओबीसी में बहुत सारे मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को अच्छा इंक्रीज किया, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो इस बार अगर बात किया जाए ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग वो होगा 195 से 200। ठीक है, 195 से 200 के बीच में इसका कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, जो भी 193 के आसपास है तो अपने आपको बाउंड्री लाइन मानना और 200 या 200 अपने आपको सेफ मान सकते हो, 200 प्लस वाले को तो आपका गारंटी है कि ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स है उनका एडमिशन इसमें होने वाला है ड्यू एलएलबी में। ठीक, चलिए मैं थर्ड लिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड लिस्ट जो आती है जिसमें
कोई श्योर नहीं है कि थर्ड लिस्ट आए, लेकिन जो सबसे लास्ट लिस्ट आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसके बीच में इतना कट ऑफ जाने वाला है। तो ये मत समझ लेना कि फर्स्ट ही कट ऑफ में मेरा इतना मार्क्स आ जाए, नहीं, सेकंड थर्ड तक भी, जनरल का तो फोर्थ हो गया, फोर्थ लिस्ट तक पिछले साल शायद आई थी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ इस साल मुझे जो लग रहा है वो ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज में तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन ईडब्ल्यूएस का होता है, और एक समय ऐसा आ जाएगा, बहुत समय जल्दी नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो ईडब्ल्यूएस और जनरल का जो कट ऑफ है अप्रोक्स सेम होने वाला है, ठीक है, अप्रोक्स सेम हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो आपको 210 से लेकर 215 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हो। 210 से -2 वो अपने आपको बाउंड्री लाइन, लेकिन 210 से 215 के बीच वाले अपने आपको सेफ मान सकते हैं, और 215 या 215 प्लस को आपको 100% सेफ लेकर चलना है। अपने आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एससी के लिए एससी की बात किया जाए तो एससी का जो कट ऑफ इस साल जाने का जो उम्मीद है वो आपको 162 से 170 के बीच में जाएगा। देखो अब एससी का भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो एससी का जो कट ऑफ है 162 से 170 के बीच में जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी एससी वाले स्टूडेंट्स है इसको आप ध्यान में समझिए, अगर इसके बीच में आता है तो अपना डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं एसटी लास्ट, तो लास्ट एसटी की बात किया जाए तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 102 से लेकर 110 के बीच में, ठीक है, 102 से 110 के बीच में। इसको आप 100 भी लेकर चल सकते हैं, यानी 100 से 110 के बीच में अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ लेकर चल सकते हैं। 100 से 110 के बीच में अगर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ लेकर चल सकते हैं। तो ये रहा जनरल का 242-245, ओबीसी का 195-200, ईडब्ल्यूएस का 210-215, एससी का 160-170 और एसटी का 100 से लेकर 110। एक एस्टिमेटेड कटअप है जो मुझे लग रहा है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है और जो मैंने अपने डेटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से कलेक्ट किया है उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि इस तरह के कटअप हो सकते हैं। अब बात रही वो स्टूडेंट्स का जिनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया है तो उनको क्या करना है, तो मैं पहले ही बता दिया कि अगले साल का प्रिपरेशन हम लोग फिर से मिलकर करेंगे और फिर से हम लोग आपको उसी तरह से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, उसी तरह कड़ी मेहनत से हम लोग तैयारी करेंगे। आपके आप सोच सकते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़े हैं उसी प्लेटफॉर्म पर दो बच्चा है, एक आप हैं और एक वो बच्चा है, आपने लाया 250, ठीक है, वो लाया बच्चा 300, तो कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि आपने ये किया आपने वो किया। भाई जब सेम प्लेटफॉर्म का दो बंदे ने सेम मार्क्स लेकर आ रहा है तो आपको असफलता को स्वीकार करना चाहिए कि सर हमने सही से उतना नहीं पढ़ा था या फिर हम लोग गलत पढ़ के चले गए या फिर जो भी है, ठीक है, आप उतनी मेहनत हमने नहीं किया था जितना और करना चाहिए था, तो असफलता को स्वीकार करना है और हमें फिर से कड़ी मेहनत करना है और अगले साल के लिए आपको तैयारी करने में जुट जाना है और बहुत जल्दी आपको फिर से उसी तरह से करवाया जाएगा जिस तरह से तैयारी 2022 के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से किया था, तो आगे भी हम लोग लेंगे और अगले बार हम लोग एक अच्छे तरह से हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो ये रहा बिल्कुल कटअप, अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। जो भी इस कटअप के बीच में आते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जरूर तैयार कर लो, डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, जिस लोगों ने ग्रेजुएशन के मार्क्स जो अपलोड किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स ये कहां काम आएंगे, अब आपको काम आने वाले हैं। जो आपने पूछ रखा था कि ग्रेजुएशन के मार्क्स सर क्या क्यों डलवाया जा रहा है, तो जो भी बच्चे बाउंड्री लाइन पे हैं अगर उनका ग्रेजुएशन का मार्क्स अच्छा होगा तो उस ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको पहले एडमिशन दिया जाएगा। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूं कि 220 10 बच्चे का आ गया, ठीक है, 220 10 बच्चे का है जिसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स में 85% एक बंदा है, एक 84% है, एक 82% है, एक 81% है, तो सबसे पहले 85% वाले को लिया जाएगा, फिर 84 वाले को लिया जाएगा, फिर 82 वाले को लिया जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं बहुत ही ज्यादा यहां पर वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो यही था ग्रेजुएशन मार्क्स का बेनिफिट जो ड्यू में बाउंड्री लाइन पे जो बच्चे होते हैं उनको देखने को मिलता है। तो हमारी वीडियो से आप बने रहिए, आगे जितने भी डिटेल है सब मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, और आपके अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वायरी को लिख सकते हैं, मैं उसको वहां पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। और लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।